मध्य प्रदेश के खंडवा में देर रात एक लड़की पर दो नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में युवती घायल हो गई। घायल युवती को रहवासियों ने डायल 100 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। हमले की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घायल युवती मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की रहने वाली है, तो वहीं खंडवा में कुछ समय से एक निजी मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रही थी। खंडवा के पौष इलाके सुभाष नगर में रविवार देर रात एक लड़की रुखसार के मुंह पर कपड़ा डालकर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल रुखसार इंदौर जाने वाली थी। इसी बीच उसे 3 दिन पहले किसी ने फोन कर धमकी दी थी कि तू खंडवा नहीं छोड़ सकती, शहर से बाहर गई तो मार देंगे। हालांकि लड़की ने इस बात की शिकायत पुलिस से नहीं की थी। एक लड़की है जिसको थाना मोगट रोड क्षेत्र में एक एरिया में कुछ सिविलियंस को बड़ी मतलब बेहोश की हालत में मिली थी, और जिसके आधार पे फिर वहाँ डायल 100 वगैरह पहुँचे थे और फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लड़की कथनानुसार उसके साथ दो लोगों ने जो मोटरसाइकिल से आए थे, जिन्होंने चेहरे पे वो कपड़ा बांध रखा था, उन्होंने उसके साथ चाकूबाजी और मारपीट की है, और जिसके आधार पर इसमें जाँच शुरू की गई है। और अभी तक जो है साजिशों को वो देखते हुए इसमें जाँच की जा रही है। लड़की यहाँ पर नौकरी करती थी, मूलतः दूसरे जिले के अलीराजपुर की है, और यहाँ पे जो भी उसके कथनों के आधार पे, उसके जानने वाले कथनों के आधार पे, और जो भी वहाँ पे उस क्षेत्र के रहने वाले हैं उनके कथनों के आधार पे इसमें जांच की जा रही है। अभी ये सब भी देखा जा रहा है कि लड़की वहाँ पे क्यों गई थी, जिस एरिया में उसके साथ घटना हुई थी, और जो उसने एक ये भी बताया कि उसको धमकी भरे मैसेज आए थे, धमकी भरे कॉल आए थे, तो उसके बारे में उसने किसी को या पुलिस को शिकायत नहीं की थी, तो उसके बारे में उससे कथन लिए जाएंगे, और जो उसके जानने वाले हैं उनके भी कथन, विस्तृत कथन लिए जाएंगे, और सबकी तस्दीकी की जाएगी उस आधार पे, और जो अगर कोई इस तरह का घटना हुई आरोपियों के, तो उनकी पतालसी के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, और जल्द ही जल्द हम घटना का इसमें पता लगाएंगे किस प्रकार से पूरी घटना हुई है। इसमें बता दें कि पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लड़की के बयान के अनुसार हमला करने वाले लोगों ने अपने मुंह ढके हुए थे, इसी वजह से वो भी नहीं पहचान पाई कि हमलावर कौन थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए खंडवा से निशात सिद्दीकी की रिपोर्ट। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।